गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए और एक इस अरेंजमेंट को देखिए। तो इसको देखकर तो आप क्या बोलेंगे कि ये मोटर है, और जब हम इसको बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो फैन चलेगा, अभी कर कर देखेंगे। तो ये एक मोटर है, लेकिन क्या ये भी एक मोटर है? हाँ, ये भी एक मोटर है, और इससे छोटी मोटर भी आती हैं। आपने मोबाइल के अंदर वाइब्रेशन तो फील किया होगा, वो वाइब्रेशन भी एक मोटर के कारण ही होता है। असल में मोटर का मीनिंग है चलना या चलाना, जो घुमाए उसको मोटर कहते हैं। तो जब हमने इसको तोड़ कर देखा तो इसके अंदर प्यारे बच्चों कोई ख़ास चीज़ नहीं, बस दो ही बातें हैं। एक तो कॉपर वायर है और उसके चारों तरफ मैग्नेट लगा हुआ है। अब इसके अंदर जब हमने तोड़ कर देखा तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट निकला, कॉपर वायर लपेट रखी है और इसके आगे का अगर हम देखें सिस्टम तो ऐसे, अंदर तो इसके सेम यही है और इसके चारों तरफ इधर और इधर इन्होंने मैग्नेट लगा दिए हैं। अब होगा क्या कि जब हम यहाँ पर ये 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, बैटरी मतलब जो इसको वोल्टेज देगी, वोल्टेज मतलब जो इसको एक फोर्स देगी, एक बल, एक धक्का, वो इलेक्ट्रिक करंट को बनने में सहायता करती है। बिना वोल्टेज के इलेक्ट्रिक करंट नहीं होती, इलेक्ट्रिक करंट तभी बने, इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कब फ्लो करेंगे, कब दूर भागेंगे, जब वोल्टेज होगी। वोल्टेज का काम ही है धक्का देना, फोर्स करना, बल लगाना, उनको मजबूर करना दौड़ाने के लिए। तो जब हम ये वोल्टेज देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, और जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आएगी तो पहले वीडियो में हमने किया था कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक करंट है उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको लगा कर देखें, तो अंदर ये जो चीज़ है ये मूव कर रही है। इसके मूव करने से क्या होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो कॉपर वायर ये लगी हुई है इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसके चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, मैग्नेट, उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, इन दोनों में एक तरह की लड़ाई होती है और ये एक दूसरे को भगाते रहते हैं। उस भागने को, चलने को ही वास्तव में हम मोटर कहते हैं। अब ये मोटर जो आप यूज करते हैं, इसके अंदर अगर हम बैटरी लगाएं तो ये ऐसे फैन चला देती है। अब मैंने आप लोगों के लिए एक अरेंजमेंट और किया, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट होगा, ये जो कॉपर वायर लपेट रखी हैं। तो अंदर क्या हुआ, ये जो कॉपर वायर लपेट रखी हैं, थोड़ा जूम करो ज़रा, और उसके इधर इधर मैग्नेट और इधर मैग्नेट। यहाँ जो मैग्नेट है इसके बाहर नॉर्थ पोल, इधर जो मैग्नेट है इसके बाहर साउथ पोल। तो अब इसके अंदर मैं 12 वोल्ट डीसी का यूज़ करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। तो अभी तक जो हमने मोटर के बारे में सुन रखा था, समझ रखा था, एक अजीब सा दिमाग में प्रॉब्लम थी कि ये मोटर वास्तव में होती क्या है। बस दो ही तो बातें होती हैं, बीच में कॉपर वायर और उसके चारों तरफ मैग्नेट। थैंक यू।